खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य में नशाऊ अपराध की ओर युवन की खिंचाव देखे को मिल रहा है। यह हम नहीं कही, यह हालात कहते या जो खबर लेके आए हैं, ये रीवा से है, जहां तमंचा पर डिस्को वाला एक जो है वीडियो वायरल भा है। यह तमंचा ऐसे चलावागा कि वह युवक के जन्मदिन रहा और जन्मदिन में कट्टा से चलाए के गोली अपन जो है जन्मदिन जो है ये उत्साह मनावागा। सवाल ये उठत है कि युवन में आखिर आपराधिक वस्तुन के प्रति आकर्षण का है। हालात यह कि अब विंध्य जो है पहले जैसा देश में उड़ता पंजाब कहा जा रहा, हालात यह है कि अब विंध्य मध्य प्रदेश में उड़ता विंध्य बन रहा है। कोरेक सवैध नशा और बहुत सारे ऐसा जो कहा जाए अवैध गतिविधि अब पूरे विंध्य में शुरू हो चुकी है और युवन के अंदर एक कहन कहो अवैध गतिविधि अवैध हथियारन के प्रति जो है आकर्षण बढ़ रहा है। ऐसे घटना भय जोड़े माँ अब पुलिस के पास न लड़का के नाव आए न गांव आए न चीन है न जाने, किंतु अब वो फोटो लेके पुलिस व युवक का तलाश रही है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम करें तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद दुखद खबर की, जहां अपना प्रोजेक्ट बता दी रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गुड़ चौराहा के समीप एक दहशत गर्दी के वीडियो वायरल आवा है भा है। वीडियो में युवक कट्टा से फायर करके जन्मदिन के जश्न मनावे लागे। ये बीच कुछ साथी हवाई फायर के वीडियो मोबाइल में कैद कर लेते, जबकि कुछ लोग वीडियो बनावे के विरोध करने लगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में हवाई फायर के वीडियो देख सिटी कोतवाली पुलिस का जांच के आदेश दिए गए हैं। एएसपी शिव कुमार वर्मा के द्वारा बताया कि दो दिन से कट्टा से हवाई फायर के वीडियो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल हो रहा है। जांच में पता चला है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कौनो अज्ञात युवक के द्वारा यह तरह की हरकत की गई। मामला संज्ञान में आते पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई और साथ में अपने मुखबिर तंत्र का बढ़ा दिया गया है। सूत्रन के द्वारा दावा है कि रीवा पुलिस का अभी तक कौनो ठोस सुराग हाथ नहीं लगाए। फिलहाल घटना कौने थाना क्षेत्र के आई ये बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। एक सिटी कोतवाली पुलिस सातिर बदमाशन के कुंडली खगालत की कट्टा बेचे वाले को खोजा लाही। अब सबसे बड़ा सवाल है कि युवन के पास कट्टा कहां से पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल तो बहुत सारे हैं कि युवा आखिर अपराध की दुनिया में कैसा घुस रहे हैं, काहे नहीं यह अवैध नशा के काले कारोबार का पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जाता है, कैसा कट्टा अवैध हथियार जो है युवन के लगे आसानी से मुहैया हो जाते, कैसन घर वाले हैं जो अपने लड़कन की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पा बताई। तो बहुत सारे सवाल हैं और पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल यह निशान है कि का जो पुलिस के काम आए कि पुलिस के काम आए कि अवैध गतिविधि का रोक दी जाए, पूरी तरह से बंद कर दी जाए और ऐसा लोग जो अवैध गतिविधि में सम्मिलित है उनका सलाखन के पीछे भेजे जाए। किंतु पुलिस अपने वास्तविक काम से जो है हट के काम में लगी रहा थी, जोने के चलते ये में नतीजा देखे के मिला थे। सीधे तौर पर समझी कि आज के युवा जो वास्तव में होश में नहीं आई और वह युवा जो वास्तव में अवैध नशा की गिरफ्त में है, उनके हाथ में यदि हथियार हुई तो सोची आदमी इनमें दहशत गर्दी में जिए का मजबूर हो जी, और कहो न कहो ये सिस्टम पर एक भरोसा उठे वाली बात हो जी। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।